आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया को आम समस्या समझकर इसे नजरअंदाज करना आपकी सेहत को मुश्किल में डाल सकता है। समय पर एनीमिया का इलाज नहीं करने से हृदय और फेफड़ों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एनीमिया के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बताएंगे। स्वागत है आपका संस्कार हेल्थ मंत्र में। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, थकान, सिर दर्द, चक्कर आना और नाखून टूटने जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ता है। शरीर को आयरन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है तो टिश्यू और मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के बारे में आयुर्वेद के ज्ञाता आचार्य बालकृष्ण जी कहते हैं कि आंवले का जूस और लाल चुकंदर का जूस पीने से एनीमिया की समस्या में राहत मिलती है। ये शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को फिर से सक्रिय करने और शरीर को ताजा ऑक्सीजन देने में मदद करता है। मेथी राइस के सेवन से भी एनीमिया को कंट्रोल किया जा सकता है। मेथी राइस बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगो दें। इस बीज को चावल में मिलाकर अच्छी तरह पका लें। आवश्यकता अनुसार नमक मिलाएं। इस प्रकार से 1 महीने तक नियमित मेथी राइस खाएं। काले तिल को गुनगुने पानी में 2 घंटे भिगो दें। अब इसके पेस्ट में अच्छी तरह शहद मिला लें। इस पेस्ट का हर रोज रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ सेवन करें। ये एनीमिया का रामबाण इलाज है। नियमित रूप से अनार और केले के सेवन से हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ता है। एनीमिया की समस्या से राहत पाने के लिए 1/2 कप सेब के जूस में 1/2 कप चुकंदर का जूस और थोड़ी मात्रा में शहद मिलाएं। रोजाना इस जूस का सेवन करें। इससे जल्द ही शरीर में खून की कमी की समस्या दूर हो जाएगी। एनीमिया से राहत पाने के लिए 10 से 15 काली किशमिश को रात भर पानी में भिगो दें और अगली सुबह नियमित रूप से भीगी किशमिश खाएं। इससे न केवल हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा बल्कि एनीमिया के कारण होने वाली कब्ज से भी राहत मिलेगी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि एनीमिया में क्या क्या एहतियात बरतें। क्या करें? पुराना शाली चावल, जौ, मूंग दाल और मसूर दाल खाएं। गाजर, केला, गन्ने का रस, लहसुन, चुकंदर, पेठा, मेथी, पालक, आमलकी, द्राक्ष, परवल आदि का प्रचुर मात्रा में सेवन करें। अपने आहार में हल्दी, सौंठ, गुड़ और शहद को शामिल करें। क्या ना करें? काले चने, बीन्स, खट्टी चीजें, सरसों और हिंग खाने से बचें। दिन के समय ना सोएं, धूप में ज्यादा ना निकलें एवं तनाव और गुस्सा करने से बचें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। बहुत ज्यादा शारीरिक कार्य और आराम ना करें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।